जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित शुक्ला एक बार फिर टारगेट विद केसीएच के बैनर तले आपके साथ पाइप एंड सिस्टर्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। उससे पहले दोस्तों कुछ बातें, जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है या जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया है वो अपने दोस्तों को प्लीज वीडियो शेयर कर दिया करो, और जो लोग इस समय फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वो भी उसको शेयर कर दें, ठीक है ना, तो जो है और लोग भी उसको देख सकेंगे। प्लीज आपको यूट्यूब पे जाना है, अगर सारे वीडियो चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आपको यूट्यूब पे जाना है और टारगेट विद केसीएच डालना है सर्च में, चैनल खुल के आ जाएगा और उसको ओके करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टर्न। अभी कुछ दिन पिछले दो दिन के करीब क्लास नहीं हो पाई, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो टॉपिक चल रहा है 20 से चल रहा है, पहले मैंने मेंस्ट्रुएशन का एक पार्ट शिफ्ट ट्रायंगल पढ़ाया, फिर मैंने आपको जो है टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया, फिर जो है और भी मैंने परसेंटेज शायद पढ़ाया है, और भी दो तीन चैप्टर्स पढ़ाए हैं, और आज मैंने पाइप एंड नंग की। दोस्तों इस चैप्टर के बाद फिर हम लोग वापस, ये सिर्फ एक टेस्टिंग थी, क्योंकि अब हम लोगों को लाइफ टाइम ऑनलाइन क्लास लेनी है। ऑफलाइन तो होगी ही होगी, जैसे होती है लॉकडाउन खुलने के बाद साथियों तुरंत आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मगर उससे साथ साथ आपको ऑनलाइन भी मिलेगी, लाइव क्लासें मिलेंगी, और बहुत ही न्यूनतम वैल्यू में, जिसको आप आसानी से सिर्फ आपके एक दिन के खर्चे में पूरे एक महीने की क्लास, या कह लें उससे भी एक दिन के खर्चे की बात किया उसमें 2 से 3 महीने की क्लास हो सकता है, लाइव मिल जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं आज पाइप एंड सिस्टर्न की। चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। पाइप एंड टंकी लिखा है, मैंने आपसे कहा ये टंकी है, यहां पे है, ये टंकी है, सपोज करिए बड़ी टंकी है और इसमें एक नल लगा है, और ये नल इस टंकी को कितने समय में भर देगा आप बता सकते हो? 1 घंटे में भर देगा, आपके पास ऑप्शन है, 1 घंटे में भर देगा, 2 घंटे में भर देगा, 3 घंटे में भर देगा, 4 घंटे में भर देगा, आप बताइए, कोई भी आंसर आप बताइए, आप नहीं बता सकते। उसका कारण क्या है दोस्तों? जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि टंकी है कितनी बड़ी, जब तक आपको इसकी कैपेबिलिटी नहीं पता है, जब तक आपको इसकी कैपेसिटी नहीं पता है, जब तक आपको इसकी धारिता नहीं पता है कि इसमें कितना पानी आने वाला है, तब तक आप कैसे दोस्तों बता सकते हो कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। चलिए मैंने वो भी आपको बता दिया, मैंने कहा भाई ये टंकी जो है ये 18 लीटर की है, कितने लीटर की है दोस्तों? 18 लीटर। अब आप बता दो, अब भी नहीं आप बता सकते हो। ये जो नल लगा हुआ है ये एक घंटे में 2 लीटर पानी डालता है, 3 लीटर डालता है, 4 लीटर डालता है, 5 लीटर डालता है, 1 घंटे में कितने लीटर पानी डालता है, जब तक हमको ये नहीं पता होगा तब तक हम कैसे पता करेंगे कि कितना समय लगने वाला है दोस्तों? तो यानी कि सपोज करो अगर ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी डालता है, भरना कितना है? 18 लीटर भरना है 1 घंटे में 2 लीटर, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 × 18, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन को तो मैंने एक एग्जांपल बताया, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 9 घंटे आ जाएगा। या हम यूं कह लें, हम इसको यूं कह लें कि ये 1 घंटे में मान लीजिए जो है 6 लीटर डालता है, कितना डालता है? 6 लीटर डालता है, 6 लीटर पर आवर, ठीक है, 6 लीटर पर आवर। तो दोस्तों अगर 1 घंटे में 6 लीटर है तो 6 × 18 यानी कि हमारा 3 घंटे आ जाएगा आंसर। तो हमको इससे क्या पता चला कि सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि टोटल कैपेसिटी कितनी है, और दूसरा हमको ये पता होना चाहिए कि 1 यूनिट समय में कितना काम किया जा रहा है। देखिए दो बातें, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, इसकी धारिता कितनी है। दूसरी बात दोस्तों हमको ये पता होनी चाहिए कि ये जो नल इसमें लगा है वो एक समय में 1 यूनिट समय में कितना पानी डालता है। क्लियर? प्लीज देखते रहिए, ब्लर तो नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करते रहे, तो हम शुरू करते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमको उसकी धारिता पता होनी चाहिए, और हमें उसके बाद ये पता होना चाहिए कि उसमें लगा हुआ नल कितना पानी डालता है और कितना निकालता है। अब देखिए
आपने जब टाइम एंड वर्क के वीडियो दोस्तों देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि ए काम कर रहा था बी, यानी कि कोई राम काम कर रहा था और श्याम काम कर रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि काम सिर्फ हो रहा था, यानी कि काम जो हो रहा था वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में हो रहा था। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे अगर टंकी भर रही है, अगर टंकी भर रही है ठीक है ना, तो क्या होगा काम पॉजिटिव हो रहा है, मगर अगर टंकी खाली हो रही है तो काम क्या हो जाएगा दोस्तों निगेटिव हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस होता है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में। टाइम एंड वर्क में सिर्फ चाहे आप दीवार बना रहे हो या आप दीवार गिरा रहे हो, दोनों तरफ पॉजिटिव काम होता है, मगर अगर हम बात करें पाइप एंड सिस्टम की तो पाइप एंड सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है, अगर टंकी भर रही है तो दोस्तों पॉजिटिव है, अगर टंकी खाली हो रही है तो निगेटिव है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे, कहता है ध्यान से पढ़ेंगे, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप ए और बी, एक पाइप दोस्तों ए है, एक टंकी को 20 मिनट में, एक पाइप बी है उस टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। दोस्तों सबसे पहले हमको क्या पता करना था, हमको दोस्तों इसकी जो है टोटल कैपेसिटी पता करनी थी। क्या पता करना था, टोटल कैपेसिटी इसकी पता करनी थी, इज दैट क्लियर। अब टाइम एंड वर्क में जैसा कि मैंने सिखाया था कि ये क्या है, ये ए द्वारा कुल टंकी भरने में लिया गया समय, देखिए यहां पे ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, यानी कि जो टंकी जितनी भी बड़ी होगी उस पूरी टंकी को अगर नल ए अकेले चले तो कितना समय लेगा, 20 मिनट का समय लेगा, यानी कि ये जो टाइम है ये कुल टंकी को भरने में, ये कुल टंकी को भरने में लिया गया समय है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो दोस्तों टोटल वर्क निकालने के लिए हमको हमेशा क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, और वो एलसीएम किसका लेना होगा, हमेशा टाइम का एलसीएम। किसका एलसीएम साथियों, टाइम का एलसीएम लेना होगा। अब आप यहां पे देखिए 20 और 30, अब ये ना कहना कि साहब एलसीएम एलसीएम बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी सिखाया ठीक है ना। अब आप अगर हर बार हम आपको ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों सिखाएंगे तो फिर क्लास बहुत जो है लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका एलसीएम जब आप निकालोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये एक मानक वैल्यू होती है। ये कैसी होती है दोस्तों, ये एक मानक वैल्यू होती है, ये कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती है ठीक। माना कि 60 यूनिट की टंकी है, माना कि 60 यूनिट की टंकी है, 60 लीटर ले लो ठीक है, 60 गैलन ले लो, आप कुछ भी मान लो, ए जो है 20 मिनट में भर देता था। अब हमको क्या निकालना था, पहला काम हमारे पास था कि टोटल कैपेसिटी निकालना ठीक है। दूसरा दोस्तों काम क्या था कि हमारे पास जो है कि एक समय में कितना काम किया गया, एक समय में एक यूनिट समय में कितना पानी भरा गया, कितना काम किया गया। तो दोस्तों 20 मिनट में है 60 लीटर, तो अगर 60 लीटर भरा जाता है 20 मिनट में तो एक मिनट में कितना लीटर भरा जाएगा, 3 लीटर। हमको क्या निकालना था, एक मिनट का काम निकालना था, क्यों, यहां मिनट में है समय, वो हम जो एक मिनट का काम होता है वो कहां लिखते हैं, यहां पे। तो दोस्तों 20 यही 60, यहां ये बी जो है 30 मिनट में 60 लीटर भरता है, तो दोस्तों 30 दूना 60, तो ये बात आपको मेरी पल्ले पड़ रही होगी ठीक। अब देखिए यहां पे अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, दोनों पाइप। तो सबसे पहले ये जो आपकी टंकी है, ये जो टंकी है ये कुल कितने लीटर की है, ये दोस्तों कुल 60 लीटर की है ठीक है, ये मानक वैल्यू है, कुल 60 लीटर की है माना की, जिस अनुसार ये मानक है उसी अनुसार ये भी इसी के अकॉर्डिंग है मानक। अब ए भर रहा है, नल ए जो है इसमें 3 लीटर पर मिनट डाला है, नल बी जो है ये ए है, ये नल बी जो है इसमें दोस्तों जो है 2 लीटर पर मिनट डाल रहा है, उसने कहा दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितना पानी डाल रहे हैं, 5। अब एक मिनट में भरता है 5, आपको भरना है 60, तो दोस्तों कितने मिनट लगने वाले हैं, 12 मिनट लगने वाले, कितने मिनट लगने वाले हैं, 12 मिनट। तो आपको आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, प्लीज आप इसको नोट करें, जल्दी जल्दी करें। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में देखिए सेम पैटर्न पे है, मैंने 2 से 3 क्वेश्चन एक एक वैरायटी के इसमें रखे हैं। कहते हैं दो नल किसी हाउस को अलग अलग 10 घंटे और 15 घंटे में पूरा भर सकते हैं ठीक है। तो दैट मीन टू से जो ए है वो उसको 10 घंटे में, जो बी है वो उसको कितने घंटे में दोस्तों, 15 घंटे में भर सकता
वे मिलकर हौज को कितने समय में पूरा भरेंगे? सबसे पहला काम एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। क्लियर है? ये एलसीएम क्यों निकाला गया? ये दोस्तों हमको टोटल कैपेसिटी निकालनी थी। क्या निकालनी थी? टोटल कैपेसिटी निकालनी थी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे? ठीक। अब हमको पहला काम तो हमारा हो गया, दूसरा काम क्या है कि हमें एक समय में कितना पानी भरा गया। तो दोस्तों यहां क्या लिखा था कि 10 घंटे में, ये जो है 10 घंटे में 30 लीटर है, तो एक घंटे में तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 लीटर। अब ये एक यूनिट समय में किया गया काम है, 15 दूनी 30 भी इतना काम करता है। कह रहा है हुए मिलकर, कौन हुए? वे कौन? ए और बी। कौन? ए और बी। ए और बी मिलकर अगर काम करेंगे, मिलकर अगर पानी भरेंगे, तो दोस्तों मिलकर कितना भर देंगे? मिलकर कितना भर देंगे? 5। आपको भरना कितना है? आपको भरना कितना है? 30। दोस्तों अगर एक समय में 5 तो कितने समय में 30? तो दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा? कितना आंसर आ जाएगा? एक समय में 5 तो कितने घंटे आ जाएगा दोस्तों? 6 घंटे आ जाएगा। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पुश करके नोट कर लिया करिए, ठीक है ना, प्लीज। ठीक। और माय डियर फेसबुक फ्रेंड्स, ठीक है, प्लीज यार सब्सक्राइब करते रहो। जिन्होंने चैनल को नहीं हमारे सब्सक्राइब किया है वो टारगेट विद केसीएच यूट्यूब पे सर्च करें, टारगेट विद केसीएच, और प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। जल्दी जल्दी नोट करें, टारगेट विद केसीएच रजिस्टर के एक कोने पे वो भी लिख लीजिए, ठीक है, और वो आपको सर्च करके बाद में सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, अब देखिए मैंने दो क्वेश्चन एक वैरायटी के कर लिए, अभी अगली वैरायटी है हमारे पास। अगली वैरायटी है, कहता है तीन नल एबीसी एक ओवरहेड टैंक को, ये मत समझिए ये टैंक है, चाहे आप इसको ओवरहेड टैंक, वो तो सिर्फ लैंग्वेज लिखते हैं एग्जाम में, ठीक। और ये सब प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन सबसे पहले कराता हूं, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिखाने के लिए। तीन नल एबीसी एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। क्या कह रहा है? 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो ये टैंक भरने में कितना समय लेंगे? अब यहां पे देखिए फिर से हमको क्वेश्चन लिखना है। कह रहा है नल ए, नल ए जो है कितने घंटे में दोस्तों? 4 घंटे में। नल बी 6 घंटे में, और नल सी साथियों कितना समय लेने वाला है? 12 घंटे। कितना समय लेने वाला है? 12 घंटे। तो हमें याद है, हमें क्या याद है? हमें दोस्तों सबसे पहले एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है? जो टाइम दिया रहता है। ये टाइम कैसा होता है? ये एक व्यक्ति द्वारा कुल काम को करने में लिया गया समय। अब अगर हम समय का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा दोस्तों? वो टोटल कैपेसिटी का आएगा, टोटल धारिता का आएगा। तो दोस्तों 4 से 12 का जब आप रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 12। अब देखिए 4 घंटे में 12 लीटर, माना कि 12 लीटर की टंकी है, तो दोस्तों एक घंटे में कितना आ जाएगा? 3 लीटर। ये पर यूनिट वाला, पर यूनिट टाइम वाला काम यहां लिख लिया करिए। डिजाइनें सबकी अपनी अपनी है, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आपको जहां मजा आए बस फंसना नहीं, आपको जहां मजा आए वहां पढ़िए। 6 दूनी 12, ठीक, 12 एकम 12। अब आप यहां पे देखिए कि जो नल ए है वो कितना काम कर रहा है? घंटे में 3 पानी भर रहा है। नल बी 2 पानी भर रहा है, और नल ए 1 पानी भर रहा है। अब इसके आगे हम लोग दोस्तों पढ़ सकते हैं, वे मिलकर हौज को कितने समय में पूरा भरेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले तो तीनों मिलेंगे। अब अगर हम तीनों के काम को मिला दें, काम कहां है, ये क्या है, ये समय है। काम कहां है, उनका वर्क कहां है? उनका दोस्तों वर्क ये है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, 3, 2, 5 है, ये कितना काम करने वाले हैं? 6। दोस्तों काम कुल कितना करना है, पानी कुल कितना भरना है? 12 यूनिट पानी भरना है। एक समय में, एक घंटे में कितना पानी भरा जाता है? 6 घंटे। एक घंटे में कितना पानी भरा जाता है? 6 यूनिट। तो दोस्तों क्या कह रहा है, ये तीनों नल साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगने वाला है? तो दोस्तों 6 दूनी 12 यानी कि कितने घंटे लगने वाले हैं? 2 घंटे लगने वाले हैं। तो दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, प्लीज नोट करें जल्दी से। और फेसबुक फ्रेंड्स, टारगेट विद केसीएच को यूट्यूब पे सर्च करें और प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर है। 4 नंबर में क्या कहता है? दो नालियां ए और बी, देखिए वैरायटी फिर से बदल गई। कह रहा है दो नालियां ए तथा बी। अब अगर हम तुमसे कहें दो शब्द हैं दोस्तों, ए या बी और ए तथा बी, आप जरा दोनों में अंतर बताइए, दोनों का अंतर। यहां पे कोई एक जाएगा और यहां पे दोस्तों क्या है, ए और बी
दोनों एक साथ काम करेंगे, ठीक है ना। तो मीनिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दो नालियां ए और बी एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। अब ये बताइए ए 20 मिनट में भरेगा या बी 20 मिनट में भरेगा, गलत बात। ए और बी दोनों मिलकर 20 मिनट में भरेंगे, क्यों लिखा है ए तथा बी, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे दो नालियां ए और बी हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, हम लोग लिखने वाले हैं ए और बी मिलकर कितने समय में भरेंगी, 20 मिनट में। आगे पढ़िए उसी को ए अकेला 30 मिनट में, ए बी मिलकर। देखो एक चीज बताओ कि जब दो एक लोग काम करेगा तो कम काम कर पाएगा, समय ज्यादा लगेगा। दो लोग काम करेंगे तो काम थोड़ा ज्यादा होगा, समय थोड़ा कम लगेगा। तीन लोग काम करेंगे, काम और थोड़ा ज्यादा होगा, समय और थोड़ा कम लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पे कह रहा है ए अकेले अगर टंकी को भरे, नल ए अकेले अगर चलाया जाए तो साथियों कितना समय लगता है, 30 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 30 मिनट का समय लगता है। तो सबसे पहला काम क्यों, यहां सबसे पहला काम एलसीएम। एलसीएम किसका आपको याद है, एलसीएम दोस्तों किसका, टाइम का। किसका एलसीएम, टाइम का। कितना आएगा, 60। ये एलसीएम क्या शो करता है, ये एलसीएम टोटल कैपेसिटी शो करता है। देखिए ये एलसीएम टोटल कैपेसिटी है, ये मानक वैल्यू होती, रियल नहीं होती, याद रखना ये मानक वैल्यू होती है। माना कि 60 लीटर की टंकी है। अब यहां पे कह रहा है कि अगर तदनुसार बी अकेला उसे कितने समय में भर सकता है, 60 लीटर पानी बी से भरवाना है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये टंकी है 60 लीटर की, ठीक है। बी कितने समय में भरेगा, जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि बी एक घंटे में कितना पानी भरता है। क्या नहीं पता होगा, बी एक घंटे में कितना पानी भरता है, तब तक हम उसको हल नहीं कर सकते। अब यहां पे देखिए 20 से 60 एक समय का काम आ गया, मगर ये किसका है, ए और बी का। बी का नहीं है, सिर्फ अकेले बी का नहीं है, किसका है साथियों, ए और बी का। ये जो है ए 30 दूना 60, ये किसका है, ए का। बी का तो कहीं नहीं लिखा, मगर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, हम और आप हैं, हम और आप मिलकर तीन पानी भरते थे। कितने यूनिट पानी भरते थे, 3 यूनिट पानी भरते थे। आपने कहा भैया मैं तो 2 यूनिट अकेले भरता हूं, तो दोस्त अगर तुम 2 यूनिट भरते होगे तो मैं कितना भरूंगा, मैं कितना भरूंगा, क्यों हम दोनों तो मिलकर 3 भर रहे थे, तो मैं 1 यूनिट ही तो भरूंगा। कितने समय में, 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में। क्यों, क्वेश्चन किसमें है, क्वेश्चन है मिनट में। ये यूनिट देखिए छोटी छोटी बातें हैं, ये यूनिट आप खुद याद रखिए, ठीक है ना। तो 1 मिनट में अगर मैं 1 लीटर भरूंगा तो दोस्तों कितना आने वाला है, कितना समय आ जाएगा, यानी कि 60 मिनट। अगर आप इसको घंटे में ऑप्शन होता तो 1 घंटे भी कह सकते थे। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ गया, 60 मिनट। तो देखिए हमको क्या है, ये जो टोटल कैपेसिटी थी, जो 60 लीटर जो टोटल कैपेसिटी थी, जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि एक नल जो है, जो बी है, कितना पानी डाल रहा है, तब तक हम नहीं हल कर पाए, ठीक है ना, क्लियर है। हमने पता कैसे किया, ए बी का दोनों का एक साथ का काम था, एक अकेले का काम था, ए अकेला निकाल दो तो बी तो रह जाएगा। हम आप चले गए छोड़ के, अभी देखो कुछ लोग जा रहे हैं फेसबुक पे छोड़ के, ठीक है, कुछ लोग चले गए छोड़ के, तो मैं तो अकेला रह गया ना दोस्त, ठीक है ना। तो आपको बात आई थिंक समझ में आई होगी, प्लीज नोट करें जल्दी जल्दी। दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल से बेहतर वीडियो पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे आए, बहुत सारे आपको वीडियोस वहां पे मिलेंगे, ठीक है ना। फेसबुक पे मैं एक दो वीडियो लाइव करता हूं और चैनल पे बहुत सारे वीडियो मिलते हैं, और चैनल क्या है, टारगेट विद केसीएच। अगला क्वेश्चन कह रहा है एबीसी मिलकर, अभी देखिए यहां पर कौन था, ए बी दो नल थे, यहां पर क्या है ए बी सी तीन नल मिल रहे हैं, कितने नल, 3। देखिए देखिए ए बी सी कितना, 10। कितना, कितने मिनट में भरते हैं, 10 मिनट में किसी टंकी को भर सकते, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अकेला नल ए इसे 30 मिनट में भर सकता है, अकेला जो है ए इसे कितने मिनट में, 30 मिनट में। अब अगर आप बात करो तो ये ए बी सी का टाइम है, फुल टाइम है, ठीक है, और ये एक अकेला टाइम है। आगे बात करते हैं, कह रहा है बी अकेला इसे 40 मिनट में भर सकता है, तो दोस्तों बी इसे कितने समय में भरेगा, 40। अब उसने क्या पूछा, अकेला नल सी सेम पैटर्न है, बस यहां दो लोग थे यहां 3। स्मार्ट बोर्ड का यही बेहतर तरीका होता है कि हम आपको सारी चीजें कंपेयर करके समझा सकते हैं। और दोस्तों आपके यहां कल्याणपुर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एसएससी की
पहली ऐसी आपकी कोचिंग होगी जहां पे आपको डिजिटल इंटरेक्टिव डिजिटल क्लासरूम मिलने वाला है, जहां पे आपको इंटरेक्टिव डिजिटल क्लासरूम मिलेगा कानपुर कंपटीशन हब में। ठीक है, लॉकडाउन के बाद आइए, ऑफलाइन पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा और सिलेक्शन आपका बहुत जल्द होगा। तो सबसे पहला काम दोस्तों एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। तो यहां दोस्तों कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों, ये क्या करता था 10 मिनट में, ये देखिएगा यहां पे एबीसी मिलकर 10 मिनट में भरते हैं टोटल, और टोटल कितना आया एलसीएम 120 आया, 3 × 12 ये जो है एक मिनट में कितना काम करेंगे 4 काम करेंगे, बी जो है 4 × 3 = 12 एक मिनट में 3। अब उसने किसका पूछा, उसने दोस्तों पूछा सी का टाइम, तो काम कुल कितना है 120। अब सी करता कितना वो कैसे पता चलेगा, हम है सी, आप हो ए और ये भैया आपके पड़ोसी बी। ठीक है, तो अब यहां पे देखने वाला ये है कि एबीसी जो हम आप तीनों लोग मिलकर कर रहे थे, हम 12 लीटर भर रहे थे, हम लोग कितना भर रहे थे, हम लोग 12 लीटर भर रहे थे, आप 4 लीटर, आपके पड़ोसी भैया बी 3 लीटर, तो आप दोनों लोग मिलकर कितना भर रहे थे, आप दोनों लोग मिलकर कितना भर रहे थे 7। अब 7 में देखिए ए बी तो हो गया 7, तो दोस्तों एबीसी मिलकर था 12, तो सी के लिए कितना रह गया, सी के लिए कितना रह गया 5। दोस्तों एक मिनट में 5, तो कितने मिनट आने वाले हैं, कितना मिनट आंसर आ जाएगा 24 मिनट आ जाएगा। चलिए दोस्तों नोट कर लिया आपने, ठीक है, आंसर कितना आ गया था 24 मिनट। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप लगे हैं, पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पंप जो है 10 घंटे में, यानी कि ए 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पंप जो है बी उसे 10 घंटे में भर सकता है। तो मान लीजिए लिख लेते हैं हम लोग, पहला पंप ए उसे 8 घंटे में भरता है और दूसरा पंप बी उसे 8 घंटे और दूसरा पंप बी उसे 10 घंटे। कह रहा है यदि दोनों पंपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें देखिए क्वेश्चन को शुरू बाद में करना है, सबसे पहले आप ये पता कर लिया करो कि अगर टंकी भरवा रहा है तो टंकी है कितने लीटर की, ये तो आंख बंद करके पता करना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम कितना आ गया 40, कितना आ गया 40, यानी कि जो हमारी टंकी है वो पूरी 40 लीटर की है। अब यहां पर देखने वाली बात, ये एक समय में एक समय में कितना पानी भरता है 48, और ये एक समय में कितना भरता है 10 × 40, क्लियर है 48 × 10 × 40। ठीक, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत ध्यान से बात को सुनिए और समझिए, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे पढ़ते हैं, कह रहा है और सॉरी 8 घंटे में भर सकता है दूसरा पंप 10 घंटे में, कह रहा है ये दोनों पंपों को एक साथ खोल दिया जाए 4 घंटे तक चलाया जाए। अब देखिए यहां पे उसने ये नहीं कहा, पिछले क्वेश्चन तरीके आपसे ये नहीं कहा कि जो है आप दोनों को खोल दीजिए कुल कितना समय लगेगा, अभी उसने अपना समय दिया है, देखिए क्या दिया है, वैरायटी अच्छी हो गई और बदल गई, दोनों को एक साथ खोलिए, तो दोनों को एक साथ सबसे पहले आपने खोला, ए ने पानी दिया 5, बी ने पानी दिया 4, यानी कि टोटल दोस्तों पानी कितना आ गया, टोटल पानी कितना आ गया 9 पानी आ गया, कितना आ गया 9 एक घंटे में, ये एक घंटे का ए का काम उसी एक घंटे का बी का काम, तो उसी एक घंटे में दोनों मिलकर अगर एक साथ करेंगे तो दोस्तों काम कितना हो जाएगा 9 पानी भर जाएगा। कितने घंटे तक चलाया गया 4 घंटे तक चलाया गया। अब दोस्तों एक घंटे में 9 है, तो यहां पे एक घंटे में 9 है तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा 9 × 36 यूनिट या 36 लीटर, आप जो भी मान लो, क्लियर है। कह रहे तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा, अब यहां पे देखना है, ये जो है इतनी बड़ी टंकी है, इसकी टोटल कैपेसिटी 40 लीटर, कितनी है 40 लीटर है, और इसमें पानी कहां तक भरा है, इसमें पानी दोस्तों कहां तक भरा नजर आ रहा है, यहां तक 36 लीटर, कितना भरा नजर आ रहा है 36। ठीक है, तो आपको अच्छे से बात समझ आ गई, बस उसने यही पूछा कितना हिस्सा, तो दोस्तों मैंने आपको बताया जब भी हम कभी अगर हिस्सा की बात करें, किसकी बात करें, हिस्सा की बात करें, हिस्सा का अर्थ होता है अंश बटे हर, क्या होता है साथियों, अंश बटे हर यानी कि भिन्न। ठीक है, अब अंश मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, पार्ट होता है, भाग होता है, तो दोस्तों हिस्सा कितना भरा है 36 किसमें से 40 में से, तो आप इसको तोड़ लीजिए, किससे कटेगा 4 से 4 में 36, 4 × 40, तो दोस्तों टोटल कितना, ये अनुपात है,
टोटल कितना 10, 10 में से कितना बना है 9, हर टोटल वैल्यू होती है। तो दोस्तों क्या है, क्या आप कहोगे 9 बटे 10 भाग भरा हुआ है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। प्लीज जल्दी जल्दी इसको नोट करें, जल्दी जल्दी इसको नोट करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, जो लोग फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वो अगर उनका छूट रहा है ठीक है ना, तो वो चैनल पर जाए, टारगेट विद केसीएच पर जाए, ठीक है, और उसको जो है सर्च करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वहां पे वीडियो आपको मिलेगा और आप देखिए। किसी हाउस को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। दोस्तों पाइप ए 6 घंटे में, पाइप बी 8 घंटे में, पहला काम एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 6 × 24 8 × 24 इतना काम तो हमें कर ही लेना है, इतना काम। टोटल कितना टंकी है, टोटल कितने लीटर की टंकी है 24 लीटर की, ए एक घंटे में उसमें कितना पानी भर सकता है दोस्तों, तो ए कितना भर सकता है 4 लीटर और बी एक घंटे में 3 लीटर, क्लियर है। अब यहां पे देखिए, अब इसके आगे जो भी प्रक्रिया लिखनी है, जो भी प्रक्रिया दी है हम उसको उसी के अनुसार कर लेंगे। क्या दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया, तो सबसे पहले तो दोनों को खोला। देखिए एक एक लाइन हल करिए, आप अगर पूरा क्वेश्चन एक साथ हल करेंगे तो आप फंस सकते हैं। आप एक एक लाइन हल करिए, यहां क्या लिखा है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया था, फिर क्या लगा है, देखिए यहां पे कॉमा लगा है, यानी कि आपको यहीं रुक जाना है। दोनों पाइपों को पहले एक साथ खोलना, दोनों एक साथ खोले 4, 3, 7 पानी आने लगा एक समय में, एक घंटे में, घंटे में क्वेश्चन, एक घंटे में 7 यूनिट पानी आने लगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, किंतु 2 घंटे के बाद, आगे बढ़े, किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया था, फिर फुल स्टॉप है तो इतनी लाइन हल करनी है, यानी कि 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया। कब, किसमें से, ये कौन चल रहा था पहले, शुरुआत में देखो दोनों ए और बी। अब 2 घंटे तक तो चले, इन्होंने 2 घंटे में कितना पानी भर दिया होगा 14 लीटर, कितना भर दिया हो गया होगा 14 लीटर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहां लिख लेते हैं, ठीक है, तो कितना पानी भर दिया होगा 14 लीटर। तो अब यहां दोस्तों कितना रह गया, ये क्या रह गया, ये शेष पानी भरने को रह गया। कितना पानी शेष भरने को रह गया, कितना पानी शेष भरने को रह गया दोस्तों 10 लीटर। अब यहां पे देखिए, ए को बंद कर दिया, अगर आपने ए को कर दिया बंद तो रह गया आपके पास बी, कौन रह गया, बी रह गया। अब यहां पे देखिए, शेष भाग को भरने में बी कितने घंटे समय लेगा। अब ये बताओ शेष भरना कितना है 10, कितना भरना है 10, ध्यान से बात सुनिए, शेष कितना भरना है 10, भरेगा कौन बी, बी भरता कितना है एक घंटे में 3 लीटर, कितना भरता है 3 लीटर। वही शेष पूरा नहीं पूछ रहा, शेष पूछ रहा है एक घंटे में 3 लीटर, एक घंटे में 3 लीटर, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 3 × 1/3 घंटे, कितना हो जाएगा 3 × 1/3 घंटे। तो आपको मेरी बात जहां तक समझ में आ रही होगी, ठीक है, प्लीज जल्दी जल्दी इसको नोट करें। फेसबुक वाले अगर छूट रहे हैं ठीक है, तो यूट्यूब पे जाएं, टारगेट विद केसीएच सर्च करें, टारगेट विद केसीएच, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यूट्यूब वाले क्या करें, वीडियो पुश करके नोट कर लिया करें, टाइम यहां थोड़ा कम रहता है लाइव में, ठीक है। कह रहे हैं किसी और को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। पाइप ए 6 घंटे में, फिर से वही चीज है, सॉरी ये क्वेश्चन तो हो ही चुका है, 7 नंबर 8 नंबर पे आना है। कह रहा है दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को 24 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। ए साथियों 24 मिनट में, बी 30 मिनट, क्लियर है। कह रहा है सबसे पहला काम हमको क्या करना है, एलसीएम कितना आ जाएगा 120, 24 पंचे। आप कह रहे होगे सर आप तुरंत एलसीएम लिख देते हो, अरे भाई मैं, मुझे 10 बरस हो गए, मुझे वर्षों बरस हो गए, मुझे 10 बरस हो गए यही करते, तो मुझे तो कंप्लीट है, आपको प्रैक्टिस करनी हो। मैंने कहीं याद नहीं किया, हमारे टीचर्स ने मुझे सिखाया कि बेटा आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आएगी, आप रट नहीं सकते हो, ठीक है ना। ये सब चीजें प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है प्रैक्टिस से आता है। आप लगातार सैकड़ों संख्याओं का बैठे बैठे रास्ते चलते जो है एलसीएम निकालिए, 3 × 12, क्लियर है। तो एक काम आया 5, बी का काम आया 4, यानी कि ए पानी भरता है 5, बी पानी भरता है 4। कह रहे दोनों एक साथ खोल लिया था, अभी मैं आपको बता चुका हूं एक एक लाइन हल करिए, दोनों एक साथ खोल दिए गए, तो दोस्तों 5 × 4 = 9, एक साथ खोलने पे कितना पानी आ रहा है 9, ये क्वेश्चन, ये चीज अलग, ठीक है ना। एक साथ खोलने पे कितना आ रहा है पानी,
एक साथ खोलने पे कितना आ रहा है पानी, जरा देखिए 9, कितना आ रहा है 9। क्या कह रहा है, दोनों एक साथ खोल, परंतु परंतु 8 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद पहला नल बंद कर दिया था। इसका मतलब क्या है, दोनों खोल के 8 मिनट तक तो चलाया, 1 मिनट में दोस्तों 9 आया, 1 मिनट में दोनों ने 9 भरा, तो 8 मिनट में 9 थे 72, तो भर गया, 72 तो भर गया। शेष कितना रह गया, 28 इधर रह गया, 20 उधर रह गया, यानी कि 48। ये क्या है, ये शेष है, ये क्या है, ये शेष रह गया, ये शेष रह गया 48 लीटर या 48 यूनिट, आप जो भी मान लो, ठीक है ना। कह रहा है पहला बंद कर दिया। अब दोस्तों बंद कौन किया गया, ए बंद किया गया, कौन चलेगा, बी चलेगा, ए अब बंद हुआ, जब 72 पानी भर गया, 48 पानी भरने को रह गया। कह रहा है अब टंकी को पूरा भरने में दूसरा पाइप कितना समय लगे, कब, अब, कब, अब, जब 72 भर गया, जब 48 रह गया, क्यों, टोटल कितना था, टोटल था 120, अब भरना है 48, भरेगा कौन, बी, क्यों, ए तो बंद हो गया। तो दोस्तों कितना समय लगने वाला है, 12 मिनट, कितना समय लगने वाला है, 12 मिनट, क्यों, क्वेश्चन था मिनट में, इज दैट क्लियर। तो प्लीज वीडियो पुश करके नोट कर लें, जल्दी करें, जल्दी करें, वीडियो पुश कर लें, नोट कर लें। तो दोस्तों 8 क्वेश्चन हो गए, आ जाइए 9 नंबर पे चलते हैं। नौ नंबर पढ़िए, कह रहा है तीन नलिकाएं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, कह रहा है तीन नलिकाएं एबीसी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती हैं, 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले वाले से थोड़ा सा हटके है, क्वेश्चन देखने में दोस्तों एक जैसा लग रहा है, मगर ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है तीन नलिकाएं, अच्छा देखिए, 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए तथा बी उस टैंक को 8 घंटे में भर देती है, ठीक है ना। तदनुसार अकेली नलिका सी उसे कितने समय में भर सकती है। अब यहां पे देखिए, हमसे ये कहा गया कि अगर तीनों, अभी तक हम लोग एक एक का अलग अलग निकालते थे, फिर तीनों को एक साथ करवाते थे, अभी ये एक टैंक है, ये एक टैंक है, इसमें कुछ लीटर आटा है जो भी आप मान लो, और ये पूरा टैंक जो है कितने समय में भर सकते थे आप, 6 घंटे में, कितने समय में भर सकते थे पूरा टैंक, यहां पर कहां तक, यहां कितने समय में भर सकते थे आप, 6 घंटे में भर सकते थे। आपने क्या किया, आपने 2 घंटे तक तीनों को चलाया, जब तीनों चले तब 6 घंटे लगते हैं, आपने चलाया कितना, 2। अब देखिए कुछ भाई टोटल काम 6 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे लगने, मगर शुरुआत हुई, पहला घंटा चला, दूसरा घंटा चला, वहीं पे ब्लॉक, तो पूरा तो भर नहीं गया, जितना भर गया कितना भर गया वो देखना है। तो दोस्तों टोटल वैल्यू हमेशा नीचे, ठीक है, तो 6 घंटे का काम और 6 में से कितने घंटे हुआ, 2 घंटे। तो दोस्तों इसको भिन्न बना लेते हैं, ये क्या लिखा, 3 में से, तो टोटल काम था 3 समय का, ये एक तो हो गया, ये हो गया, तो दोस्तों शेष 3 में से एक हो गया, तो शेष कितना रह गया, शेष कितना रह गया, शेष रह गया 2, कितना शेष रह गया, शेष रह गया 2, इज दैट क्लियर। अच्छा शेष रह गया 2, अब हमें सपोज करो यहां पूरा छत, यहां तक तो हमारा भर ही गया, अब हमको ये काम करना है, ये एक भर गया, ये हमें 2 भरना है। अब उसने क्या कहा कि देखिए किसको बंद कर दिया, तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया, किसको बंद कर दिया, सी को, तीन नल थे, कौन कौन, ए बी और सी। अब दोस्तों सी बंद कर दिया जाता है, ठीक है, तदनुसार अकेली नलिका सी वह टंकी को कितने घंटों में भर सकती है, ठीक है, तो ए भी तो चलते रहे, अब क्या कहता है, ए भी उस टंकी को 8 घंटे में भर देती है। अब देखिए किस टंकी को, जो 3 था टोटल, 3 में से जो 2 शेष रह गया उसको ए भी भरते हैं, कितने घंटे में भरते हैं, 8 घंटे में। पानी कितना भरना है, काम कितना है, 2 काम है, कितना समय ले रहे हैं, 8 घंटे। 2 काम करने में आप 8 घंटे का समय लेते हो, 2 पानी भरने में आप 8 घंटे लगते हैं आप 2 लोगों को, किसको किसको, ए और बी को, तो 3, तो एक जो है एक काम करने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे लगेगा। तो दोस्तों अगर टोटल इन्हीं से भरवाया जाता, किससे, ए और बी से, किससे भरवाया जाता, ए और बी से, तो दोस्तों 1 में 4 तो 3 में 12 घंटे। तो यहां पे आपको अगर ए बी
पूरा काम करते तो कितना समय लगने वाला था? तो दोस्तों 12 घंटे समय लगने वाला था। अब आपको यहां पे क्वेश्चन हल हो जाएगा, सिर्फ अकेले हमको भाई ए बी का पता चल गया, एबीसी का पता चल गया अकेले। अब एबीसी से अगर हम ए बी हटा दें तो सी रह जाएगा। अब देखिए यहां पे इसने क्या कहा था, इसने ये कहा था कि एबीसी मिलकर 6 घंटे में, और ये भी इसने कहा। अब यहां पे हमने ये पता कर लिया कि ए बी मिलकर कितने समय में, ए बी मिलकर 12 घंटे में। तो दोस्तों सबसे पहला काम एलसीएम, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, ए बी एक पानी भरता है एक घंटे में, तो एबीसी दो भरते, यानी कि सी के खाते में कितना आया, सी के खाते में कितना आया, एक पानी आया। टंकी कितने लीटर की, टंकी आई एलसीएम आया 12 लीटर। तो दोस्तों अगर एक घंटे में एक लीटर तो कितने घंटे लेगा सी, 12 घंटे लेगा। कितने घंटे लेगा, 12 घंटे, ठीक है। तो आप अगर कम समझ में आ रहा हो आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, ठीक है ना। वीडियो आप रिवाइंड, वैसे तो मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट बहुत आसान आसान, मैं बिल्कुल नहीं क्लास को भगा रहा। कुछ लोग हो सकते हैं उनको ये लगता हो कि साहब ये बहुत सरल, हमको जमीनी स्तर से ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ना है, हम वहां तक भी ले जाएंगे जहां तक आप जाना चाहो, आप जहां तक जाना चाहो वहां तक आपको लेके जाएंगे। मगर दोस्तों शुरुआत तो जमीन से ही होगी, प्लेन भी इतने ऊंचाइयों पे जो है हजारों मीटर की ऊंचाइयों पे जो है आसमान में उड़ता है, मगर शुरुआत उसकी दोस्तों कहां होती है, क्या डायरेक्ट आसमान से प्रकट होता है, कहां से, जमीन से, ठीक है ना। तो दोस्तों हम भी उसी तरीके चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है देखिए जरा क्या कहता है। हमने कुछ वेराइटीज आज सीखी है इस क्लास में सीखी है, ठीक है। कह रहे हैं दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि ए का समय अलग दिया है 37.5 और बी का समय अलग दिया है 45। एग्जैक्ट क्लियर। अब आप कहोगे साहब 37.5 का एलसीएम कैसा, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आप 37.5 का निकालो मत, आप क्या करो दो गुना करो, 45 गुना 90, 37.5 गुना 35 गुना 70 और 2.5 गुना 5 यानी कि 75। आप यार 75 और 90 का निकालो ना सीधे, आप क्या करो 75 और 90 का निकालो। अब तो आसान हो गया ना, देखिए कैसे 15 कॉमन ढूंढ लिया करो, मैं तुमको शॉर्टकट बताऊं, 15 × 75 15 × 90, 15 तो दोनों में है मगर यहां पे क्या है 5 और 6 नहीं कॉमन है, जो कॉमन नहीं है ये जो है कोप्राइम होते, जो मैं आपको एलसीएम से पढ़ाऊंगा आपको समझाऊंगा, ठीक है। 5 × 30 कॉमन क्या था 15, तो 15 × 30 करो, 15 × 45 450। अब ये इनके दोगुने का एलसीएम था 450, तो एक गुने का कितना हो जाएगा 225, क्लियर है। आप चाहे यहां दोगुना करके लिखो, बाद में आंसर एक गुना कर देना, ठीक है ना। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कितना आ गया दोस्तों 225। अब हल करिए जो है 45 × 90 और 45 × 5 क्लियर है, कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, 45 × 90 9 × 18 यानी 45 × 6 = 180 और 45 यानी कि 5 बार, ठीक है। और 37.5 × कितना होता है 75, ठीक है, और 75 × 125 होता है यानी कि 3 × 6। ये बात आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों टोटल काम 225, ए एक समय में 6, बी एक समय में 5 पानी भरता है। कह रहा है दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है और ठीक आधे घंटे भरने के बाद जो है भरने के लिए सॉरी दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, दोनों आप खोल लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों 6, 5, 11 पानी, ठीक है। कह रहे हैं टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए, क्वेश्चन कितना बेहतर हो गया, टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। हर बार टाइम पूछता था, क्या खुद टाइम दिया, ठीक है। टंकी को कितने समय भरना है 225 लीटर 30 मिनट में आपको भरना, कितने मिनट में भरना है आपको 30 मिनट में भरना है। अब देखिए रास्ते में किसको बंद कर रहा है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो तो वीडियो रिवाइंड कर लेना बाद में, ठीक है ना। आधे घंटे में भरने के लिए रास्ते में किसको बंद कर रहा है, बी को। इसका मतलब क्या है, हम और आप यहां से चलना शुरू किए, हमने दोनों ने पानी भरना शुरू किया, आप तो रास्ते में चले गए, मैं लास्ट तक भरता रहा, और लास्ट कब तक, लास्ट कब तक 30 मिनट तक, लास्ट कब तक 30 मिनट तक। कौन मैं, ए, क्यों बंद कौन हो रहा रास्ते में, बी, ए तो 30 मिनट तक, 30 मिनट टोटल काम हुआ ना, तो ए तो 30 मिनट लास्ट तक चलता रहा होगा। ए एक मिनट में कितना भरता है 6, कितना भरता है 6, दोस्तों 30 मिनट में कितना भरेगा 180। ये किसका काम हो गया, ए का, कितना पानी एक मिनट में 6, तो 30 मिनट में 6 × 18 = 180। टोटल काम था 225,
225 में से 180 लीटर पानी ए ने भरा, बचा कुचा कौन भर के गया होगा? अभी आप ही बता दोगे। बचा कुचा दोस्तों जो 45 लीटर रह गया वो किसने भरा होगा? वो बी ने भर के रास्ते में बंद कर दिया। बी कितना भरता है? बी भरता है 30। बी कितना भरता है? बी भरता है 30, सॉरी बी भरता है 5 एक मिनट में। तो दोस्तों भरना है 45, तो एक मिनट में 5 तो कितना आ जाएगा? 5 × 45, यानी कि बी ने 9 मिनट तक जो है भरा होगा। बी ने कितनी देर तक भरा होगा? बी ने 9 मिनट तक भरा होगा। एक मिनट में 5 × 45, यानी कि 9 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया और ए को पूरे 30 मिनट चलाया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कल हम आपसे फिर से मिलेंगे, ठीक है ना, इसी टाइम। और जो है कल मैं आपको एक टाइम टेबल बता दूंगा, ठीक है ना, जिस टाइम आपको फेसबुक पे पर डे उतने टाइम लाइव क्लास मिलेगी पर डे। और अगर आप उससे बेहतर चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारा चैनल टारगेट विद KCH यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। वहां पे आपको ढेरों वीडियो मिलेंगे जीएस के, हिंदी के, मैथमेटिक्स के, ठीक है ना, और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी वीडियो मिलेंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद।